सबको जयसु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय शाम की इस सुंदर बेला में प्रभु के सिंहासन के सामने हम आए। जब भी आप प्रार्थना में आते, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आते, तो एक विशेष कृपा पवित्र आत्मा हमें देते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं और हम नहीं जानते जब क्या करना है तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। तो हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, महिमा करें। अक्सर हम प्रार्थना को बहुत हल्के में लेते हैं, या कई बार हम ये जरूरी नहीं समझते कि हमें प्रार्थना करनी है। कहते हैं कि चलो आज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, कल कर लेंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जो आज की प्रार्थना छूट गई है, जो आज प्रार्थना नहीं की है, उसका खामियाजा किस तरह से हमें भुगतना पड़ सकता है। आगे मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताऊंगा। तो प्रभु येसु भी हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रार्थना जरूरी है, प्रभु से बातचीत जरूरी है। हर दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। हमें प्रभु की उपस्थिति में जो मिले हैं हम उसे यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें और प्रभु के साथ जुड़ जाएं, प्रभु के साथ एक हो जाएं। क्योंकि जब तक प्रभु के साथ हम एक नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं हैं, तो हमारी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं है। हम कुछ मांग कर जाएंगे, हम कुछ बोल कर जाएं, हम आकर क्रूस का चिन्ह बना कर जाएं, उससे फायदा नहीं है। जब तक हमारी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी नहीं है, जब तक हमारी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, तब तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तब तक हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहिए, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें, तारीफ करें, प्रार्थना करना शुरू करें। सबसे पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में दें। वो जीवन की रोटी है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु ने अंतिम ब्यारी के समय, अंतिम भोजन के समय अपने हाथ में रोटी ली, उसे अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। उसके पहले यीशु ने उस रोटी को तोड़ा, उस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। जब प्रभु हमें आशीष देते हैं तो वो हमें तोड़ते हैं, वो हमें तोड़ते हैं। इसी तरह प्रभु ने कटोरा लिया और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद अपने शिष्यों को दिया और कहा, इसमें से लो और पियो, ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। ये नए विधान का रक्त है, नई वाचा का रक्त है। ओ प्रभु, हमें अपना शरीर और अपना रक्त देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तारीफ करो इस समय प्रभु की, प्रार्थना करना शुरू करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ करना शुरू करें इस समय, प्रशंसा करना शुरू करें, महिमा करना शुरू करें। प्रभु से कहें, तू मेरे जीवन की रोटी है, प्रभु तू मेरे जीवन का पानी है, मैं तुझे खाता रहूं, पीता रहूं और तेरी महिमा गाता रहूं। लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, we praise you, we thank you, we glorify your name Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाएं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाएं, खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। प्रभु की तारीफ करें, महिमा करें, आराधना करें। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी, सब खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की, तू मेरे तालियां बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप। खाता रहूं खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा।
प्रभु की स्तुति करें। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता। तू मेरे जीवन की, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। बार बार गाएं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। तालियां बजा के पर मेरा भरोसा है, तेरे बिना मेरा जीवन नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। स्तुति करें परमेश्वर की, तेरे
तेरे बिना मेरा जीवन नहीं। प्यार मैं तुझसे करता प्रभु, हालेलुया हालेलुया, मेरी आत्मा में उतर आजा प्रभु, हालेलुया मेरे दिल में आजा प्रभु, मेरे घर में आजा प्रभु, तेरी शरण में आया प्रभु। स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करो स्तुति करो, मुख खोलो मुख खोलो मुख खोलो, मुख खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना पिता, तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना रूहे पाक। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, तू हमारा भरोसा है, तू हमारी चंगाई, हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति, हमारा जीवन। हम तेरी शरण में आते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करते जाएं इस समय, प्रार्थना करते जाएं, अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु से जुड़े इस समय। ये जुड़ने का समय, प्रभु से जुड़े, प्रभु से जुड़े इस समय। प्रार्थना करें, लिप्रो सूरा मांदा ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया। आत्मा में प्रभु की आराधना करें, आत्मा से प्रभु की आराधना करें। जिन लोगों को अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति करें, आत्मा में, आत्मा की गहराई से। अपने जुबान पर पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दे इस समय। जो पवित्र आत्मा इस समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है, वही पवित्र आत्मा इस समय आप पर अधिकार ले और आपको स्वतंत्र करे। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को खोलें, अपना मन प्रभु में लगाएं। सामर्थ्यवान प्रभु की जीवित उपस्थिति को अनुभव करें। प्रभु का आत्मा इस समय हमारे बीच में, प्रभु का आत्मा इस समय हमारे बीच में। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई समय हिले नहीं डुले नहीं। चाहे आप कोई भी हैं, कोई भी बाबा शिखेरी भी लिब्रो सांदला खावा शिखेरावा खूंदा नहा शिखेरी भी। आत्मा में प्रभु की आराधना करो, आत्मा में आत्मा में आत्मा में आत्मा में प्रभु की आराधना करो। आंखें बंद, आत्मा में आराधना। ओ ये कितना अद्भुत समय है। आत्मा में आराधना, जीसस
हालेलुया। जुड़ो प्रभु से, जुड़ो जुड़ो जुड़ो, जुड़ जाएं प्रभु से, प्यार हो जाए आपको प्रभु से, प्यार हो जाए, प्यार। जब प्रभु से प्यार हो जाएगा, जब प्रभु से आप प्यार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लव यू लॉर्ड। कहें प्रभु से, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु, मुझे याद आता है वो समय कलवारी की उस चोटी पर मेरे पापों और मेरे गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए मेरा परमेश्वर क्रूस पर चढ़ गया। ओ कितनी दर्दनाक मौत, हाथ पैर में कीले ठोके गए, सर पर कांटों का मुकुट, कैसा नजारा। दुनिया का मुक्तिदाता मेरे पाप के खातिर क्रूस पर कुर्बान हुआ। ओ प्रभु धन्यवाद। तेरी पीठ पर कोड़े बरसाए गए, तुझे मारा गया, तुझे निंदित किया गया, तेरी दाढ़ी नोची गई, तुझे कितना अपमानित होना पड़ा, सैनिकों ने तेरे मुंह पर थूका, सब मेरे खातिर। प्रभु मैं तेरी आराधना करता, प्रभु मैं तेरी आराधना करता, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। यीशु मुझे माफ कर, यीशु मुझे माफ कर, मेरी गलती मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर देना यीशु, मुझे माफ करना यीशु। मैं पापी हूं प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने मन वचन और कर्म से पाप किए प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं। ओ प्रभु, मैंने तेरी इच्छा के विरुद्ध काम किए, तुझे बार बार दुख दिया, सूली पर चढ़ाया, मुझे माफ करना यीशु, मुझे माफ करना। प्रार्थना करें सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग प्रार्थना करना इस समय, सब लोग प्रार्थना करना, सब लोग प्रार्थना करना, सब लोग प्रार्थना करो। यीशु पर दया।
पापों को, मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु मुझ पर दया करो, मुझ पर अपने पापों से, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, क्रूस दिया अपने पापों से, क्रूस दिया सागर यीशु, तू हम पर दया कर, हम पर दया कर यीशु, हम पर दया कर। प्रभु हम पापी हैं, कमजोर हैं, हमारी ओर देख प्रभु, तेरी दृष्टि हमें देखे यीशु, तेरी दृष्टि मुझे देखे यीशु, तेरी नजर मुझसे ना छुपा यीशु, मेरी ओर देख, मुझे देख यीशु, मैं यहां हूं, मुझ पापी पर दया कर यीशु। प्रार्थना करें प्रभु, मुझ पर दया करो यीशु, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कहें प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर यीशु, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों पर दया करो यीशु। आंखें बंद रखें, कोई मोमेंट नहीं समय, अपने हाथों को प्रभु की ओर फैलाएं। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की ओर अपने हाथों को पसारो, परमेश्वर की ओर अपने हाथ पसारो, अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। प्रभु जी मेरे पाप के कारण मैं बीमार हूं,
मेरे पाप के कारण मैं अशांत हूं, मेरे पाप के कारण मेरे जीवन में सब गड़बड़ हुआ प्रभु, सब गड़बड़। ओ प्रभु, मेरे पापों ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन तू एकमात्र प्रभु है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है और मेरी जिंदगी बदल सकता है। बदलो यीशु, बदलो, बदलो यीशु, बदलो, बदलो यीशु, बदलो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु से कहो, प्रभु मेरी जिंदगी बदलो, मेरी जीवन बदलो प्रभु, बदलो, बदलो, बदलो यीशु, बदलो। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। कहे प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। बाय बाय प्यासे प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यास बुझा, चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। फिर से गाइए, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। फिर से गाएं, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बन कर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे बहा, शिफा का तू है दरिया। जल का तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा होता। जीवन जल तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा।
जख्मों को ये सू ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को ये सू ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को ये सू ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। सब रोगों को चंगा करता, सब रोगों को चंगा करता। वो ही है जिंदा खुदा, शिफा का तू है दरिया। चश्मे बहा चश्मे बहा।
जंगल में जिसने था पिलाया अमृत जल बन कर तू आया। जंगल में तूने था पिलाया बन कर अमृत जल तू आया। अमृत जल दे पिला शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यासे प्यासे है प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा गाए गाए प्यासे की पवित्र उपस्थिति उसकी उपस्थिति का आनंद लें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं जानता हूं तू यहां है। धन्यवाद यीशु। मैं जानता हूं तू यही है। मैं जानता हूं तू मेरे पास है। मैं जानता हूं तू यहां है यीशु। मैं जानता हूं तू यहां है। मैं जानता हूं तू यहां है। प्रभु की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु की हमने स्तुति की और प्रभु की जबरदस्त उपस्थिति हमारे बीच में। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना। हम इस समय कुछ देर प्रभु का वचन सुनेंगे और उन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पवित्र वचन सुनते हैं, पवित्र वचन को खोलते हैं, पवित्र वचन पढ़ते हैं, पवित्र वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं। इसी वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ता है, इस वचन को सुनाता है और वचन बोलता है, वो धन्य है। प्रकाशन ग्रंथ उसके अध्याय एक और उसके वचन संख्या अध्याय एक वाक्य तीन लिखा हुआ है, धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। आप जानते हैं, वचन आपको ना केवल आपके जीवन के बारे में बताता है, बल्कि वचन आपको आने वाली घटनाओं के बारे में भी समझाता है।
आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या होगा, संसार में क्या होगा, ये सब पवित्र बाइबिल में लिखा हुआ है। और जो इसे निकाल कर पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं, केवल वे ही लोग जान पाएंगे कि वास्तव में हम किस समय में जी रहे हैं। केवल वे ही लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि हम किस समय में जी रहे हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ेंगे अजेकियल के ग्रंथ में, अजेकियल अपने ग्रंथ में लिखते हैं अध्याय 3 और वाक्य 1 में, वहां पर अजेकियल लिखते हैं, उसने मुझसे कहा, यानी परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्या कहा, मानव पुत्र जो अपने सामने है उसे खा लो, यह पुस्तक खा जाओ और तब इसराइल की प्रजा को संबोधित करो। वाक्य 2, मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। और वाक्य 3, उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। क्या लिखा हुआ है, मैं जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं उसे खाओ और उससे क्या करो, अपना पेट भर लो। पुस्तक यानी पवित्र वचन, पवित्र वचन से क्या कर लो, अपना पेट भर लो। हालेलुया। किस चीज से हम अपना पेट भरते हैं, चावल से, रोटी से, दाल से, पिज्जा, बटर, बर्गर आदि आदि तरीकों से हम अपना पेट भरते हैं। लेकिन वास्तव में हमें पेट किससे भरना चाहिए, किससे भरना चाहिए, इस वचन से पेट भरना चाहिए। कुछ वर्ष पहले मैं एक जगह पर था और वहां पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ और उस समय वहां पर साउथ से एक भाई आए थे, उनका नाम मैं भूल गया हूं, शायद मार्टिन। तो साउथ से एक भाई आए थे, उस समय तक उन्होंने 9 वर्षों से कोई भोजन अपने पेट में नहीं डाला था। कैन यू बिलीव इट। मैं उस भाई से मिला, मैंने उसको देखा, अच्छे खासे हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, और उन्होंने 9 साल से अपने पेट में भोजन का एक तिनका भी नहीं डाला हुआ है। 9 साल से ऐसे ही थे, अब तो कई वर्ष हो गए होंगे। तो उनसे पूछा गया कि आपके जिंदा रहने का राज क्या है, उन्होंने कहा मेरे जिंदा रहने का राज यह है, यह पवित्र बाइबिल है। वो वचन को पढ़ते हैं और वचन खाते हैं, वचन खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार अजेकिल को प्रभु ने कहा कि इस पुस्तक को लो और इसे खा लो और इससे अपना पेट भर लो। और मैं उस भाई से मिला, मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं थी जब मैंने उस भाई को देखा, 9 वर्षों से भोजन नहीं किए, फिर भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, वचन सुनाते हैं, प्रभु की स्तुति करते समय नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, सब कुछ होता, गिरते भी नहीं, कमजोरी भी नहीं, फर्स्ट क्लास शरीर, फर्स्ट क्लास आवाज, फर्स्ट क्लास हेल्थ, सब कुछ अच्छा। और क्या करते हैं, वो वचन खाते हैं, वचन खाकर जीवित हैं 9 साल से। लेकिन अभी तो कई वर्ष हो गए होंगे उसके बाद मैं उनसे मिला नहीं। परमेश्वर के वचन में हमें जिंदा रखने की शक्ति है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, केवल रोटी से ही नहीं जीता है, ठीक है, बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। वचन हमें जिंदगी देता है, आप जानते हैं यह पवित्र वचन हमें जिंदगी देता है, हमारी जिंदगियों को बदल देता है, हमारी जिंदगियों को एक नए मोड़ पर लाता है। हमारी जिंदगी में क्या गलत चल रहा है उसको ये वचन समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मकान बनाते समय मकान की नींव डालते हैं, ठीक है, मकान की नींव डालते हैं, गड्ढा गहरा खोदते हैं और खोदते खोदते आपको अंदाजा होता है कि इस लेवल तक अगर मकान नीचे जाएगा तो गिरेगा नहीं,
और खुदाई करके अच्छे से फाउंडेशन बनाकर उसको मकान को खड़ा करते हैं। जितना ऊंचा मकान चाहिए उतनी गहरी फाउंडेशन होती है, उतनी गहरी नींव होती है। यानी जितना ऊंचा मकान उतनी गहरी फाउंडेशन नींव। लेकिन अगर वो नींव गलत हो जाए तो, मान लो आपने सीधी ऐसे रखनी है लेकिन वो नींव इधर को हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपने जिसको नींव रखने के लिए जिम्मेदारी दी है आप उससे कहेंगे इस नींव को खत्म करो, मिटाओ, भर दो और दूसरी सीधी वाली नींव खोदो। क्यों? क्योंकि ये आपका मकान बन रहा है। आपको पता है नींव गलत हो गई तो पूरा मकान ऊपर वाला गलत हो जाएगा, जैसी नींव होगी वैसा मकान होगा, गलत हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की नींव अगर वचन पर नहीं है, हमारी जिंदगी की नींव फाउंडेशन अगर वचन पर नहीं ऊपर आई है तो वास्तव में हमारा जीवन गलत होगा, हमारा जीवन पापमय होगा, हमारा जीवन बीमारियों से भरा होगा, हमारे जीवन में शैतान के काम होंगे, हमारे जीवन में बंधन होंगे, हमारे जीवन में कमी कमजोरियां होंगी, हमारा जीवन एक हारा हुआ जीवन होगा, हमारा जीवन एक निराशावादी का जीवन होगा, हमारा जीवन दुख से भरा हुआ जीवन होगा। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपने जीवन की नींव को वचन पर नहीं डालते हैं, हम अपने जीवन की नींव को सांसारिक बातों पर डालते हैं। आजकल पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जाता है और पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कितने मम्मी पापा अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बाइबिल पढ़ो? मम्मी पापा आजकल बड़े बड़े फोन लेकर दे सकते हैं लेकिन बाइबिल खरीद कर दिया? आपने अपने बच्चे की फाउंडेशन नींव किस पर स्थापित कर दी? फोन पर। आपने अपने बच्चे की नींव फोन दिखा दिखा कर रखी हुई है? क्या वास्तव में आपने अपने बच्चे की नींव इस बाइबल पर रखी है? जब मैं छोटा था, शायद क्लास 2 या 3 में या हो सकता है 4 में, तभी पहली बार मैंने अपनी बाइबल खरीदी थी और उसका दाम उस समय 50 रुपए थे और मैं उसको गले से लगा कर रखता था, उस पर कपड़ा डालकर रखता था, उसको अच्छे से सजाता था और जब भी मैं उसको पढ़ता था पहले तकिया लगाता था, उसके बाद उस पर एक चादर डालता था, फिर एक वाइट कपड़ा डालता था और उसके बाद इस वचन को खोल कर रखता था और फिर मैं पढ़ता था। आप जानते हैं उस छोटेपन में ही मैंने पूरी बाइबल को पढ़ा था, पूरी बाइबल को पढ़ा था। तो जब आप अपने बच्चों की नींव को वचन पर रखेंगे, उन्हें वचन देंगे, उन्हें वचन लेकर देंगे, सिखाएंगे, पढ़ने बैठेंगे, तब आपके बच्चों की नींव किस पर होगी? वचन पर होगी। नहीं तो उनका जीवन गलत हो गया। फाउंडेशन सही नहीं है, नींव सही नहीं है तो मकान सही नहीं होगा। फिर उसके बाद मम्मी पापा ढूंढते हैं, अरे बच्चा तो गलत निकल गया, बच्ची तो गलत निकल गई, बच्चे का जीवन बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि वचन पर नींव नहीं है। जिसकी नींव वचन पर है वो वचन पर दृढ़ रहेगा। यहां तक कि ना केवल बच्चों की बात है, बड़े भी इस बात को ध्यान से सुने। क्या आपकी नींव अभी तक वचन पर पड़ी हुई है? आपकी नींव किस पर पड़ी हुई है? वचन पर है या दूसरी बातों पर, सांसारिक बातों पर है? अगर आपकी नींव वचन पर नहीं है, सांसारिक बातों पर है, तो आपका जीवन गलत है और आपको इसको सुधारने की जरूरत है। कैसे सुधरेगा? वचन खोलकर पढ़ने से, वचन सुनने से। इस वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 15 और उसके वाक्य 3 में, वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने जो शिक्षा तुमको दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे, हाथ उठाइए दाहिना और कहें, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने जो शिक्षा तुम्हें दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हाँ, किसके कारण शुद्ध हो गए हो? किसके कारण? वचन के कारण। शिक्षा जो प्रभु ने दी है वही तो वचन है। उस शिक्षा के कारण हम शुद्ध हो जाते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, आप क्या हो रहे हैं? आप शुद्ध हो रहे हैं, आप अंदर से पवित्र हो रहे हैं। आपके अंदर से जो गंदगी है हृदय में भरी हुई वो निकल रही है,
उदाहरण के लिए आज वचन सुनाया गया क्षमा पर, तो हो सकता है कोई ऐसा बैठा हो जो किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वचन सुनते ही वचन उसके अंदर काम करने लगता है और वो उसको माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एक एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक बड़ी सी पुस्तक यानी बाइबल, बाइबल बड़ी होती है, जब नया विधान और पुराना विधान जोड़ा जाए तो बड़ी हो जाती है, इतनी मोटी होती है, वो पढ़ते हुए देख रहा था, छोटा बच्चा था, और उसने कहा, दादाजी आप क्या पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बुक आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, आप तो बुड्ढे हो गए। तो दादाजी ने कहा, बेटा मैं कोई डिग्री नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने पूछा कि दादाजी इस वचन से क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि इस वचन से हम शुद्ध होते हैं, हम पवित्र होते हैं, हमारे अंदर से बुराइयां निकल जाती हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। तो बोले कि अच्छा ऐसा है, ठीक है मुझे भी दीजिए मैं भी पढ़ूंगा। तो दादाजी ने उसे एक बाइबल दी और उसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा पढ़ता रहा, लेकिन उसे कोई भी बदलाव या चेंजेस नजर नहीं आया, यानी उसको पता नहीं था। और वो फिर से एक दिन दादाजी के पास आया, बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो दादाजी ने उससे कहा कि अच्छा ऐसा काम करो, वो जो टोकरी पड़ी है ना उसको उठाओ और उसको उठा के तालाब से पानी भर कर लाओ। बच्चा छोटा था, नादान था, जानता नहीं था, उसने टोकरी उठाई और तालाब से पानी भरने गया, पास में तालाब था, वो पानी भर के जैसे ही लाता था टोकरी से सारा पानी निकल जाता था, क्यों? क्योंकि टोकरी में छेद है। वो फिर जाता था, फिर भर कर लाता था, फिर निकल जाता था, फिर जाता था, फिर भर कर लाता था, फिर पानी निकल जाता था, दादाजी के पास पहुंच ही नहीं पा रहा। फिर जाता था, फिर भर कर लाता था, फिर गिरता था, फिर जाता था, फिर भर कर लाता, फिर गिरा, फिर भरा, फिर लाया, फिर गिरा, फिर भरा। तो ऐसा करते 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 वो बच्चा परेशान हो गया, झुंझला उठा, गुस्सा आया दादाजी के ऊपर, और जो है टोकरी लेकर अपने हाथ में सीधा दादाजी के पास गया और बोला कि आप हमको किस काम में लगाए हैं, ये टोकरी में तो पानी आता ही नहीं है। तो दादाजी ने अपने प्यार से उसको बुलाया और कहा कि टोकरी वहां रखो, अब मुझे बताओ कि जब तुमने टोकरी उठाई थी तो ये टोकरी कैसी थी, इसमें गोबर लगा था, इसमें मिट्टी लगी थी, इसमें गंदगी लगी थी, ये काली काली दिख रही थी, लेकिन तुम्हारे बार बार उस पानी में भिगोए जाने से ये टोकरी अभी कैसी हो गई है, इसका इसमें लगा हुआ गोबर चला गया, इसमें लगी हुई मिट्टी चली गई, ये जो काली काली दिख रही थी अब थोड़ी शाइन कर रही है, चमक रही है। तब उसकी समझ में आ गया कि ये वचन भी आपको धीरे 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 शुद्ध करता है। वचन की नदिया में, वचन के सागर में आप जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार आपके अंदर से कोई ना कोई गंदगी निकलकर छूट जाएगी। इस वचन के समुद्र में जितनी बार डुबकी आपने लगाई उतनी बार आप शुद्ध होकर बाहर आते हैं। जब भी आप वचन सुनने के लिए आते हैं, ऐसा मत कहें कि रोज तो वचन सुनाया जाता है, क्या करें, रोज वचन सुनते हैं, रोज वचन सुनते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। आपको शायद मालूम नहीं पड़ेगा, आपको शायद दिखेगा नहीं, लेकिन जब कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद आप अपने जीवन को पलट कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कुछ वर्ष पहले का इंसान है वो तो बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ वर्ष बाद का जो वचन सुनने के बाद जो इंसान बन गया है ये तो बिल्कुल अलग है, आपको परिवर्तन दिखाई देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन हमें शुद्ध करता है। ये मत समझिए कि प्रार्थना करते हैं वचन सुनते हैं इसका क्या फायदा होगा, होगा होगा जरूर होगा। अभी से आपका बच्चा छोटा है उसके कान में वचन भर दीजिए, उसके कान में वचन बोलो, उसके कान में फोन लगाने से अच्छा है, फोन में जो है कार्टून लगाने से अच्छा है कि उसके फोन में बाइबल भर दो, ऑडियो बाइबल भर दो, वो सुनेगा, उसका सुनता है, बच्चे को पूरा समझ में आता है। आप समझते हैं कि उसको समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चे को पूरा समझ में आता है। आप भरो,
उसके कान को वचन से भर दो और वो वचन उसके हृदय में जाएगा। आप जानते हैं माता मरियम परमेश्वर के वचन को कहां पर रखती थी? कहां पर रखती थी बताओ? माता मरियम परमेश्वर के वचन को कहां रखती थी? हृदय में संजोए रखती थी। कितना अच्छा शब्द लिखा ना, माता मरिया वचन को हृदय में संजोय। आप संजोय चीज संजोय समझ रहे हैं? संजो कर रखना। संजो कर रखने का अर्थ होता है किसी मूल्यवान चीज को प्रोटेक्शन देके रखना, संजो कर अच्छे से सवार कर निखार कर। आप संजो कर किसको रखते हैं? अच्छा बताओ, सोना। हाँ, उदाहरण के लिए सोना चांदी। सोना चांदी को हम लोग कैसे रखते हैं? उसको अच्छे से रखते हैं, संजो कर उसको डिब्बे में रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक डिब्बा लगाते होंगे, फिर उसके बाद एक पन्नी लगाते होंगे, फिर उसको बाद उसको संदूक में रखते होंगे, फिर वो संदूक एक पेटी में रखते होंगे, फिर वो पेटी के ऊपर ताला मारते होंगे, तब इसको कहते हैं संजो कर रखना, ताकि कोई चुरा कर लेना जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तो माता मरियम परमेश्वर का वचन हृदय में संजोए रखती थी और उस वचन पर मनन किया करती थी। जो भी परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं उसे हृदय में रखिए, उस पर मनन करें, बार बार दोहराएं। कुछ वर्ष पहले जब मैं एक रिट्रीट सेंटर में था, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, वहां पर एक नौजवान लड़के को लाया गया था, उसका नाम दीपक था, और उसको कोई रोग था और डॉक्टर भी उसका रोग पकड़ नहीं पा रहे थे, और वो एक महीने से उसने कुछ भी ना खाया था ना पिया था, पता नहीं कैसे जी रहा था, शायद नाली लगा के उसके पेट के अंदर कुछ डाला जाता था। और वो दिल्ली तक गए, उन्होंने इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, इलाज करा करा के थक गए। अंत में डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप इसे घर ले जाओ और इसकी सेवा कर लो, ये नहीं बचेगा। और वे बहुत दुखी होकर घर पे लेकर आए, तभी उन्हें किसी ने बताया कि आप यीशु मसीह में क्यों विश्वास नहीं करते हो, यीशु मसीह आपके इस बेटे को चंगा कर सकते हैं। और वो उस बेटे को उस रिट्रीट सेंटर में लेकर आए और प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करते थे ये बेटा लेटा रहता था, लेकिन लेटे लेटे पीछे को भागता था, बहुत बुरी कंडीशन, पीछे को भाग जाता था, जैसे प्रार्थना शुरू होती थी पीछे को भागता था, प्रार्थना में बैठना नहीं चाहता था, पीछे को भागता था, पीछे को, चैपल से निकलकर पीछे को भागता था। तो किसी तरह से उसको पकड़कर जबरदस्ती बैठाते थे प्रार्थना में। चलो एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन चार दिन जब बीत गए, उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा, बात करने लगा, तब मैंने क्या किया, उसको एक नया विधान दिया और मैंने कहा कि दीपक तुम पढ़ सकते हो, इस नए विधान को पढ़ो। और उसने वो नया विधान लिया, कुछ समय मैंने पढ़कर सुनाया और उसके बाद कुछ समय उसने पढ़ना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बेटा कुछ ही दिनों में पूरी तरह से कंप्लीट अपने पैरों पर खड़ा हो गया, चलने लगा, खाने लगा, पीने लगा, और प्रभु यीशु के वचन ने, यानी प्रभु यीशु ने, वचन कौन है? प्रभु यीशु, उसे पूरी तरह से चंगा कर दिया। तालियां बजाएं प्रभु के लिए। पूरी तरह से चंगा कर दिया वचन ने। और उसके बाद कुछ वर्ष पहले मैं उसको मिला था और वो कह रहा था कि भैया अभी मैं इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहा हूं। हालेलुया। वचन आपको चंगा करेगा मेरे भाई मेरी बहन। यदि आप बीमार हैं, यदि आप किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, पुरानी बीमारी हो, लकवा, टीबी, कैंसर, एड्स, बवासीर, पीलिया, बुखार, कोरोना, कुछ भी अलावला, कुछ भी कोई रोग दुनिया का जिसका नाम भी हम नहीं जानते, जिसका नाम डॉक्टर भी नहीं जानते, जो डॉक्टर फेल हो सकता है लेकिन ये वचन फेल नहीं हो सकता। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। होएंगे नहीं, होने वाले नहीं, हो जाएंगे नहीं, बल्कि उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं।
बाई हिज वूंड्स वी आर हील्ड, हो गए हैं। दाहिना हाथ उठाएं, इस वचन को दोहराएं, बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उनके घावों के द्वारा, उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, हम भले चंगे हो गए हैं, उनके घावों के द्वारा, उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। होंगे नहीं, हो जाएंगे नहीं, होने वाले नहीं है, बल्कि उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अब ये चंगाई आपको कैसे मिलेगी? वचन में तो लिखा है, जो वचन में लिखा है वो 100% सही है, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए, सही है, वचन 100% सही है और सच है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। लेकिन इस वचन को सुनकर भी कई लोग चंगाई ग्रहण नहीं करते, क्या कारण है? कारण यह है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि हमें ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप वचन को ग्रहण करते हैं आमीन के साथ, उसके घावों के द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं, ठीक वचन को सुनते ही तुरंत कैच करके और उसको रिसीव कर लेना अपने अंदर, यस लॉर्ड आई एम हील्ड बाय योर वूंड्स, मैं तेरे घावों के द्वारा भला चंगा हो गया हूं, हो गया हूं, हो गया हूं, और तब वो बीमारी सुनेगी और क्या होगा? भागेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, चलो आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित, प्रेरित चरित में उसके अध्याय 3 में एक सुंदर 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 घटना है, मैं आपको समझाता हूं। लिखा हुआ है, पेत्रुस और योहन तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था, वे प्रतिदिन उसे लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे। किसको रखा करते थे? हैं? एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था। किसको? एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था। ध्यान रखना एक एक शब्द का, ये कोई लंगड़ा हुआ नहीं था, इसको चोट नहीं लगी थी, बल्कि ये जन्म से लंगड़ा था। आगे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। लोग एक मनुष्य को, अब ये कौन लोग हैं पता नहीं, हो सकता है कि ये ऐसे लोग हों जो इसका इस्तेमाल करते हों, भीख मंगवाते हों उससे और उसका पैसा ले लेते हों। आज भी हमारे देश में भी ऐसा होता है, कई जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को और जो लाचार हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनको कुछ लोग बांध कर जो है जबरदस्ती ले जाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं और वो भीख मांग कर लाते हैं, उससे वो सब कुछ ले लेते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं, ऐसे लोग हैं। और शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे, यानी उसका कोई नहीं होगा शायद, लोग एक मनुष्य को, अब ये कौन लोग थे मालूम नहीं, लेकिन लिखा है लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा, वे उसे प्रतिदिन लाकर, यानी हर दिन, रोज, डेली, रोजाना लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। तो ये लोग इसको लाकर मंदिर के फाटक के पास रख देते थे ताकि ये भीख मांगे और हमारा काम चले, ठीक है। आगे, जब उसने पेत्रुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। सुनना ध्यान से, पेत्रुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा और पेत्रुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेत्रुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। देखो, वचन पर ध्यान दो, वचन पर ध्यान दो, वचन पर ध्यान दो। पेत्रुस ने क्या कहा? मेरे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, लेकिन मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। और उसने आगे कहा, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया, उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया
वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते और ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर गया, मंदिर गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। वचन पेत्रुस के मुंह से निकला, क्या निकला? ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। अब देखो वचन में कितनी बड़ी ताकत है। पेत्रुस के मुंह से जैसे ही निकला ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो, तो ये क्या चल गया? ये चला नहीं? चला ये नहीं चला, लेकिन क्योंकि इसको विश्वास नहीं था, शायद इसका विश्वास कमजोर था और इसने ऐसा सुना भी नहीं था। और पेत्रुस ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। अब जैसे ये वचन बोला गया, ये वचन ने उसके अंदर काम किया। ठीक है, इधर ध्यान दो सब लोग। जैसे ये पेत्रुस ने बोला ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो, तो इस वचन ने काम किया उसके शरीर के अंदर। लिखा हुआ है उसके टखनों और उसके पैरों में बल आ गया। क्या आप समझ रहे हैं? ये बल कहां से आया? वचन के द्वारा आया। ये बल कहां से आया? वचन के द्वारा आया। और वह उछल कर खड़ा हो गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन में आपको चंगा करने की ताकत है। एक मैंने बताया, वचन में आपको शुद्ध करने की ताकत है। दूसरा, वचन में आपको चंगा करने की ताकत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, अगर आप कष्ट में पीड़ा में हैं, इस वचन को दोहराएं, इस वचन को पढ़ें। इस वचन में लिखा हुआ है उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। एंड रिसीव इट एंड बी हील्ड। समझ रहे हैं आप? वचन ग्रहण करो और पा जाओ। सिंपल, सिंपल है। वचन को पकड़ो, ग्रहण करो और काम हो गया। हम लोग माथा पच्ची करते हैं ना, माथा पच्ची करते हैं, अरे कब होगा, अरे कब होगा, अरे कब होगा, अरे कब होगा, है ना, ऐसा करते रहते हैं। और कभी इसके पास भाग, कभी उसके पास भाग, कभी यहां जा, कभी वहां जा, कभी इसके पास, कभी उसके पास। ये नहीं कि बाइबिल पकड़कर इसमें जो लिखा हुआ है उसका पालन करें, काम हो जाएगा। सिंपल, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। बाइबिल पढ़ें, वचन ग्रहण करें, आपके सामने प्रभु चमत्कार करेगा। अगर आप इस वचन को पकड़ लोगे, अगर आप इस वचन को पढ़ने लगोगे, सीखोगे, ग्रहण करोगे, आपके पास अपने अपनी चमत्कार का, अपनी अपनी गवाहियों की इतनी बड़ी लिस्ट होगी कि आप यहां आकर बोलोगे मुझको मौका दे दो, मुझको मौका दे दो, मुझको मौका दे दो। यहां पर मौका पाने वालों की भीड़ होगी। कब? जब आप इस वचन को अपने अंदर संभालोगे। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और घटना बताता हूं, उदाहरण देता हूं। किसी ने ये उदाहरण दिया था, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति, असली घटना है, एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला कि इसको टीबी है, तब शायद टीबी का इलाज नहीं था। इसको बोला कि ये टीबी है, 6 महीने के अंदर ये मर जाएगा। और इस व्यक्ति को बहुत धक्का लगा कि मेरा जीवन अब केवल 6 महीने का है, इसके बाद मैं मर जाऊंगा। और ये व्यक्ति घर आया, बहुत निराश हो गया, दुखी हो गया, अंदर से टूट गया, दिल टूट गया, मन उदास हो गया। अपने कमरे में गया, कमरा अंदर से बंद कर लिया, लाइट्स भी बंद कर दी, खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि इसके मन में यही था कि अब मैं केवल 6 महीने तक जीवित रहूंगा, उसके बाद मर जाऊंगा। और ये बहुत निराश, टूट गया, दुखी, परेशान, अंधेरे कमरे में पड़ा रहता था, दिन रात पड़ा रहता था और मरने का इंतजार करने लगा कि कब 6 महीने होंगे और मैं मरूंगा। तभी कुछ दिन बाद इनके घर में एक छोटी बच्ची आई और वो बच्ची प्रभु को जानती थी, प्रभु के पास थी, करीब थी, और वो अपने हाथ में एक नया विधान लाई थी। और जब उसने देखा कि अंकल बीमार हैं, तो बड़े प्यार से अंकल के पास गई और अंकल से कहा कि अंकल आप इस पुस्तक को पढ़ लो और आप ठीक हो जाओगे। अंकल को लगा छोटी बच्ची है, इसकी बात पर क्या ध्यान देना, लेकिन
वो बच्ची ने अंकल के हाथ में वो नया विधान थमाया और घुटने टेके और प्रार्थना करने लगी, और प्रार्थना करके वो चली गई और कहा कि अंकल इसको पढ़ना जरूर। उसके बाद वो चली गई और अंकल को विश्वास नहीं था कि ये वचन, ये शब्द मुझे चंगा कर देगा, यानी इस किताब को पढ़ने से मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं 6 महीने तक जीवित रहूंगा, इस किताब को पढ़ने से मैं कैसे जीवित हो सकता हूं, कैसे जीवित रह सकता हूं, कैसे ठीक हो सकता हूं? और उसने वो नया विधान यूं करके फेंका और वो कोने में जाकर गिरा। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद वो लड़की फिर से आई और वो अंकल से मिली और कहा कि अंकल क्या आपने वो पुस्तक पढ़ी जो मैंने दी थी? अंकल ने कहा, बेटा आपकी पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी, वो वहां पर पढ़ी है। तो उसने वो नया विधान उठाया, अपने पल्लू से झाड़ा और फिर से अंकल को देते हुए कहा, अंकल आप इसे एक बार पढ़ लो, आप ठीक हो जाओगे। तब उसने घुटने टेके और प्रार्थना करने लगी और रोने लगी, रोते रोते प्रार्थना करने लगी। तब अंकल ने कहा कि ठीक है मैं पढ़ लूंगा, रो मत, जाओ जाओ। और उसके बाद अंकल ने वो किताब को खोलकर पढ़ा। आप जानते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में सबसे पहले वंशावली आती है और उसमें कठिन कठिन नाम है, और जैसे ही वो पढ़ने लगा पूरा अध्याय उसे पढ़ा नहीं गया और उसको उसका दिमाग जो है वैसे भी इन बातों में नहीं था, वो निराश था, उसे पढ़ा नहीं गया, वो नाम इतने कठिन है। तो उसने क्या किया, बंद की और टेबल पर रख दी। कुछ दिन बाद वो फिर आई और कहा, अंकल आपने पढ़ा? और अंकल ने कहा कि बेटा ये कैसी पुस्तक आपने दी है, ये तो इसमें इतने कठिन कठिन नाम हैं, इससे अच्छा तुम मुझे फोन की डिक्शनरी लाके देती, एटलीस्ट मैं फोन नंबर याद कर लेता, ये क्या लाके दिया? बेटी ने कहा, अंकल आप इसे एक बार पढ़ लो, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आप ठीक हो जाओगे। और वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। अंकल ने फिर कहा, बेटा जाओ मैं पढ़ लूंगा। इस बार अंकल ने डिसाइड किया कि बेटी कह रही है तो शायद कुछ तो होगा, चलो पढ़ते हैं। अंकल ने पहला चैप्टर खत्म किया, दूसरा, तीसरा, मत्ती का सुसमाचार, फिर मार्कुस, लूकस, फिर योहन, प्रेरित चरित्र, रोमी, पहला ग्रंथी, दूसरा ग्रंथी, अफेसी, गलाती, सब खत्म कर दिया, प्रकाशना। अंकल को अच्छा लगा और अंकल को थोड़ी प्यास लगी, पानी पिया, भूख लगी, खाना खा लिया। अंकल ने फिर इसको दोबारा पढ़ना शुरू किया और उसको अच्छा लगा, उसने लाइट्स ऑन कर ली और लाइट ला के मंगवाई और फिर से वो जो है पढ़ने लगा, अच्छा होने लगा। और करते करते 4 महीने बीते, 6 महीने भी बीत गए, 8 महीने भी बीत गए। तब उसको याद आया कि डॉक्टर ने उसको बोला था कि तुम 6 महीने तक जीवित रहोगे और पूरा 1 साल हो गया। तब वो डॉक्टर के पास गया और कहा कि आपने तो बोला था केवल 6 महीने तक जीवित रहूंगा, लेकिन अभी तो 1 साल हो गया है। डॉक्टर ने उसको चेक किया और आप जानते हैं रिपोर्ट क्या थी, नेगेटिव, और पूरी तरह से वो चंगा हो चुका था। बजाओ तालियां प्रभु के लिए, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में आपको चंगा करने की ताकत है मेरे भाई मेरी बहन। आज लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं कि कोई मेरे सिर पर हाथ रख दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको रखो सिर पर, इसको काई नहीं रखते हो। वहां पर आप 15,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख रुपए देने को तैयार हो कि प्रभु का दास आपके ऊपर हाथ रख दो, अरे जरा टाइम लगाकर इसको पढ़ तो लो। आपके पास 1 लाख देने के लिए समय है, केवल हाथ रखवाने के लिए आपके पास जो जीवन देती है उसको पढ़ने के लिए समय नहीं है। अंत में परमेश्वर आपको डांटेंगे, जाएंगे वहां पर 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए देंगे और लाइन में लगे रहेंगे कि कब मेरी बारी आएगी, हाथ रखेंगे। क्या हाथ रखना, इसको रखो ना हाथ, इसको रखो ना अपने सिर पर, इसको घुसाओ अपनी खोपड़ी में, ठीक हो जाओगे आप। पैसा देने के लिए तैयार है लोग, 1 लाख, 2 लाख पैसा देने के लिए तैयार है। मुझे चंगा कर दो, मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो, मेरा पैरालाइज ठीक कर दो, मेरी बवासीर ठीक कर दो, टीबी ठीक कर दो, इतना पैसा दूंगा। दिस इज नॉट बिजनेस, ये कोई व्यापार नहीं है, सुन लो, कान खोल कर सुनना, ये व्यापार नहीं है। चंगाई लेना या पाना कोई व्यापार नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने आज बनाया हुआ है कि 20,000 दो, 25,000 दो, तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे और तुम्हें ठीक करेंगे। धोखा।
मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु ने क्या कहा, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 8 में, तुम्हें मुफ्त में मिला मुफ्त में दो, तुम्हें मुफ्त में मिला मुफ्त में दो। और हम क्या कर रहे हैं, पैसा दो तब मैं हाथ रखूंगा। What is this? आप पवित्र आत्मा के वरदान को बेचकर समझते हैं कि आप बच जाएंगे, और वैसे ही चंगाई पाने के लिए पैसा देने वाले आप भी नहीं बचेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, मैंने तेरे नाम पर लोगों को चंगा किया, मैंने तेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम पर भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। यीशु कहेंगे, ए कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा के वरदान को मजाक समझा। इधर दे इधर ले, इधर पैसा दो इधर हाथ रखो, और फिर भी ठीक नहीं होते। कुछ समय पहले किसी का फोन आया मेरे पास, बोले कि हम, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कि हम वहां गए थे, बहुत बड़े प्रीचर हैं, और उन्होंने हमसे जो है 15,000 रुपए ले लिए और हाथ रखा, हम तो ठीक नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आप ठीक नहीं हुए, अच्छा हुआ, क्योंकि आप परमेश्वर के वरदान को पैसों में देकर खरीदना चाहते हैं। This is not business. ये कोई व्यापार नहीं है। आपने प्रभु का मजाक बना के रखा हुआ है, ये व्यापार नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, By his wounds we are healed. उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए, आपके हाथ रखने से नहीं, उसके घावों के द्वारा। उसने कुर्बानी दी, उसने भाला खाया, उसने कोड़े खाए, उसने कांटों का मुकुट अपने सिर पर रखवाया, उसने अपनी पीठ कोड़ों से छिलवाई थी, आपने नहीं। Who are you to heal? आप कौन हैं कि कहें कि मेरे हाथ में 25,000 रख दो और मैं चंगाई दूंगा? आप कौन हैं? और मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग ऐसा करना चाहते हैं, दिस इज वार्निंग फॉर यू, आपके लिए एक वार्निंग, एक चेतावनी है। अंत के दिन में परमेश्वर आपसे कहेंगे, इसमें लिखा हुआ है, कुकर्मियों मैं तुझे नहीं जानता, मुझसे दूर हटो। बिकॉज क्यों? क्योंकि तुमने ईश्वर के वरदान को तुच्छ जाना। इस वचन को पढ़ो, इस वचन को समझो, बिजनेस नहीं है। आज 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 सच में दिमाग में फंसता नहीं है कि क्या हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, पैसा 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 पैसा, मिनिस्ट्री में पैसा पैसा पैसा। प्रभु, जब प्रभु ने प्रचार किया और कहना शुरू किया कि आप लोग के पास रहने के लिए सब कुछ है, गोराया को रहने के लिए घोंसला है, लेकिन मानव पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है, उसने एक छरनी में जन्म लिया, वो मुक्तिदाता, वो ईश्वर, वो परमेश्वर विनम्र बना। समझ रहे हैं आप? इस वचन को पढ़ो तब सच्चाई आपको पता चलेगी। चंगाई को खरीदने और बेचने वालों सावधान। कुछ लोग हमें भी फोन करके बोलते हैं, बताना जरा हमारे बारे में परमेश्वर क्या कह रहे हैं। मैं क्यों बताऊं? हमारे ऊपर प्रार्थना कीजिए, हमारे इसके लिए प्रार्थना कीजिए। हां करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर प्रार्थना करेंगे, लेकिन पैसे लेकर नहीं, पैसे लेकर नहीं। दिस इज नॉट बिजनेस, ये कोई व्यापार नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम दूर से जाते हैं, है ना, दूर दूर से लोग जाते हैं, क्या करने, वचन सुनेंगे नहीं ना। जब वचन सुनाया जा रहा होगा तब वचन सुनने के लिए नहीं जाएंगे, वचन सुनने को बाद में आएंगे। जब चंगाई प्रार्थना होगी ना, तब जो है आके जाएंगे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। लेकिन जब वचन सुनाया जा रहा होगा तब भाग जाएंगे, वचन नहीं सुनेंगे। वचन कानों में पड़ना नहीं चाहिए। क्यों? आप स्वार्थी हैं। बोलो हालेलुया।
हालेलुया। बोलो प्रभु हमें माफ कीजिए, प्रभु हमें माफ कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब आप वचन पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। काय मैं इधर दौड़ रहा हूँ, काय मैं उधर दौड़ रहा हूँ, काय मैं पैसा दे रहा हूँ, क्योंकि हम वचन नहीं जानते। वचन नहीं जानने के कारण हम अंधकार में, किसी ने हमें कह दिया कि ऐसा करो तो कर रहे हैं। वचन पढ़ो, वचन आपका मार्गदर्शन करेगा, वचन आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और एक बात बताता हूं, प्रार्थना करने के लिए अगर प्रभु का दास सच्चा है, अगर प्रभु का सेवक सच्चा है, वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा, वो पैसे की डिमांड नहीं करेगा। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा कभी भी, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना बन जाए, चाहे वो उसके तन पर कपड़े ना रहें, लेकिन वो पवित्र आत्मा के वरदान को बेचेगा नहीं। आप जानते हैं पौलुस के पास एक बार एक जादूगर आया और कहने लगा कि आपके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, और वो कुछ पैसे साथ में लाया और कहा कि मुझे भी ये वरदान दे दो, लो पैसा। और आप जानते हैं पौलुस ने उसे क्या कहा था, शिष्यों ने उसको क्या कहा था, तू धूर्त है, तेरे अंदर धूर्तता भरी हुई है, कूट कूट कर, तू शैतान का बच्चा है, इसलिए शैतान का काम ना करें। पौलुस ने कहा कि तेरे अंदर धूर्तता कूट कूट कर भरी हुई है, तू शैतान का बच्चा है, तूने ईश्वर का वरदान पैसे में देकर खरीदना चाहा है, भाड़ में जा तू और भाड़ में जाए तेरा पैसा। और हम वही कर रहे हैं। इस वचन को पढ़ो तब तो पता चलेगा, इस वचन को पढ़ो। हां प्रार्थना कराना है कराइए, जरूर कराइए। बाइबल में लिखा है मत्ती अध्याय 10 वाक्य 8, मैंने बताया मुफ्त में मिला मुफ्त में दो, ये बेचने का ट्रेंड कहां से आया भाई? और आप कौन है पवित्र आत्मा के वरदान को बेचने वाले? प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे लोगों को क्षमा करें, और प्रार्थना करें उनके लिए भी जो इन लोगों को हजारों रुपए देते हैं, प्रार्थना करें उनके लिए, दया मांगे, दया मांगे उनके लिए। कुछ लोग बस मेरे को वीजा दे दो, मेरे लिए वीजा के लिए प्रार्थना करो, इतना पैसा देता हूं, हे प्रभु मेरे वीजे के लिए प्रार्थना कर दो, इतना पैसा देता हूं। अरे पहले परमेश्वर की इच्छा तो पूछ लो, कहीं उस देश में जाकर दूसरे दिन मर गया तो क्या करोगे? प्रभु से पूछा नहीं, मेरे वीजे के लिए प्रार्थना करो ना। अरे पहले प्रभु से परामर्श ले लो, कहीं रास्ते में जहाज में ही जो है क्रैश हो गया, नीचे गिर गया, तो प्रभु से पूछा नहीं, जाना है। दिस इज नॉट बिजनेस। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। आप में से बहुत सारे लोग शायद अनजान होंगे, नादान होंगे इस बात से, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी प्रभु का सेवक जो अपने आप को प्रभु का सेवक कहलाता है और महान कहलवाता है, प्रॉफेट अपोसल कोई भी हो, आई डोंट केयर, अगर वो आपसे पैसे की डिमांड करता है, ही इज अ फॉल्स प्रीचर, वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है, वो इस वचन को नहीं मानता कि मुफ्त में मिला मुफ्त में दो, वो पवित्र आत्मा के वरदान को बेच रहा है, वो धूर्त है और शैतान का आत्मा उसमें, आप उस पर हाथ रखवाएंगे आपके ऊपर वो उस दुष्ट आत्मा आएगा। अगर आप ऐसे व्यक्तियों से हाथ रखवाते हैं जो पैसे लेकर चंगाई देते हैं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा आएगा। प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए, बाइबल में लिखा है उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। By his wounds, उसने कीमत चुकाई है, उसने कीमत चुकाई, यीशु ने। केवल जो आप देना चाहते हैं यीशु को दो ना, प्यार करो उससे, उसके साथ समय बिताओ, उसको दो जो देना है,
क्योंकि कीमत उसने चुकाई है और मूल्य भी उसको मिलना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? कीमत यीशु ने चुकाई और उसका बिजनेस कोई और करे, दिस इज नॉट बिजनेस। मैं आपको एक वचन बताता हूं, फिर से पवित्र आत्मा वचन याद दिला रहे हैं। आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र में, रोमियो का पत्र उसका अध्याय 3। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। देखो लिखा हुआ है रोमियो का पत्र अध्याय 3 उसके पद संख्या 23 से पढ़ता हूं। क्योंकि सबों ने पाप किया और सबके सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। वचन 24, ईश्वर की कृपा से, ठीक है, ईश्वर की कृपा से सबों को, ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। मुफ्त में चंगाई, मुफ्त में पाप मुक्ति, मुफ्त में पवित्र आत्मा का वरदान, मुफ्त में ईश्वर का आत्मा हम पर मिला है। कोई किसी को पैसे लेकर वरदान नहीं दे सकता, वो झूठा है। अगर कोई कहता है कि मैं मुझे दो पैसे और मैं आपको पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा के दानों को दूंगा, ट्रांसफर करूंगा, व्हाट क्या है? पैसा दो मैं गिफ्ट ट्रांसफर करूंगा, क्या मुफ्त में? प्रभु का वचन कह रहा है मुफ्त में मिला है, क्यों पैसा दें? और अगर आप ऐसा करेंगे आप शैतान की आत्मा के वश में हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा मुफ्त में मिला है, पाप क्षमा मुफ्त में मिली है, चंगाई मुफ्त में मिली है। किसी ने कर्ज अदा नहीं किया, केवल यीशु मसीह ने अदा किया है। समझ रहे हैं आप? जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप घर बैठे ठीक हो जाओगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बोलो यीशु तेरे वचन में लिखा हुआ है तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, आई रिसीव इट, और आप चंगे हो जाएंगे। बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, उसके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो। जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, इस वचन को सीखो और उन वचनों को बोलो 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 बोलो, भर लो, खा लो, और आप देखना आपके जीवन में चमत्कार। चलिए प्रार्थना करें। सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए क्षमा मांगे जो इस तरह से प्रभु के वरदानों को बेचते हैं। दया करो प्रभु, तेरी अज्ञान से भरी हुई प्रजा पर दया करना यीशु। ओ प्रभु, कितनी लूट मची है, लोग लूटते हैं एक दूसरे को, तेरे नाम पर भी लूटते हैं। दया करो यीशु, दया करो प्रभु। लोग लालची बनाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर को दो और तुम्हारे घर में ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, लालची बनाते हैं लोगों को। ओ प्रभु दया कर, ऐसे लोगों पर दया कर, ऐसे लोगों पर दया कर यीशु, ऐसे लोगों पर दया कर, ऐसे लोगों पर दया कर। लोग भी प्रभु लालच में आकर देते हैं, खूब देते हैं पैसा कि मेरे को परमेश्वर देगा, लेकिन सच में प्रभु वो तुझे नहीं दे रहे हैं, वो लालच में दे रहे हैं। माफ कर प्रभु, दया करो यीशु। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया। प्रभु मुझे मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, मुझे मुफ्त में पवित्र आत्मा मिला है। ओ प्रभु थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। जो बीमार हैं इस समय प्रार्थना करें, आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के यीशु के घावों के द्वारा आप भले चंगे हो गए। आज के ही दिन हम याद करते हैं, आज शुक्रवार है, हम याद करते हैं प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया और उस बलिदान को देकर प्रभु ने हमारे पापों का कीमत चुकाई, हमारे रोगों को, दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। आप इसी समय कहीं भी, आप घर में हैं, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपके घावों को प्रभु ने लिया है, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में है चंगाई, मुफ्त में है पाप क्षमा,
मुफ्त में है पवित्र आत्मा का वरदान। धोखे में ना पड़े, धोखे में ना पड़े, प्रार्थना करें। अगर आपने ऐसा किया है माफी मांगे प्रभु से, अगर आपने ऐसा किया है माफी मांगे प्रभु से, क्योंकि आपने प्रभु के दिल को ठेस पहुंचाई, आपने प्रभु का दिल दुखाया, आपने प्रभु का दिल दुखाया, आपने प्रभु का दिल दुखाया, आपने प्रभु की उस कुर्बानी को तुच्छ समझा, आपने उस प्रभु की कुर्बानी को, उस लहू को तुच्छ जाना। माफी मांगो प्रभु से, कहें प्रभु मुझे माफ कर, मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर यीशु। तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। आपको कहीं भी इस समय तकलीफ है, अपना हाथ रख लो और कहो मैं यीशु के घावों के द्वारा भला चंगा हो गया हूं। बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, मैं यीशु के घावों के द्वारा भला चंगा हो गया हूं। हालेलुया, ओ यीशु के घावों के द्वारा भले चंगे हो गए।
लोग सब लोग मिलकर गाएं तेरे धाओ पारा हम भले गंदे हो गए तेरे धाओ पारा हम भले मुफ्त में यीशु के परम पावन और अति पवित्र नाम पर प्रभु तूने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला मुफ्त में दो। तेरे वचन का पालन करते हुए मैं इस समय आदेश देता हूं हर बीमारी हर दुष्टात्मा हर प्रकार का कर्ज रोग महामारी टीबी कैंसर एड्स पीलिया बवासीर शुगर आंखों के रोग कानों के रोग जीभ के गले के रोग यीशु के पवित्र घावों के द्वारा और यीशु के अति शक्तिशाली नाम पर इन लोगों को छोड़कर इसी समय चले जाएं। लिब्रो सोला महंदा ला ला बा 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 प्रभु जिनके शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी घाव है किसी तरह का कोई भी रोग है डॉक्टरों की ना समझ में आने वाला रोग ला इलाज रोग जो लोग कई वर्षों से कोमा में पड़े हुए हैं बाहर नहीं निकले यीशु के नाम से मैं कहता हूं बाहर निकलो। तेरे घावों के द्वारा गाएं तेरे घावों द्वारा हम भरे बहन आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है अगर आप बीमार हैं कहो यीशु के घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं और अपनी बीमारी को आदेश दो इसी समय कहना यीशु मसीह नाजरी के नाम पर ऐ बीमारी मैं तुझे आदेश देता हूं निकल मेरे शरीर से निकल और कहो यीशु के घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप एक बड़ी गवाही के साथ आओगे एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ आप यहां पर खड़े हो जाओगे और कहोगे यीशु के घावों के द्वारा यीशु के वचन ने मुझे चंगा किया। आप ये नहीं कहोगे इसके हाथ रखने से या उसके हाथ रखने से या उसके प्रार्थना करने से मैं ठीक हुआ बल्कि आप ये गवाही लेकर आओगे कि उसके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया। विश्वास करें आप चंगे हुए विश्वास करो यीशु के घावों के द्वारा आप ठीक हो चुके हो आप ठीक हो गए हो आपकी पथरी चली गई है आपका कैंसर चला गया है आपका एड्स चला गया है आपकी टीबी चली गई है आपकी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी विश्वास कर लो कि वो नेगेटिव हो गई है इसी समय शांधाला बाबा शिखीरे भी मुफ्त में मिला मुफ्त में दो। धन्यवाद यीशु। यीशु हमारे
पापों के लिए यीशु हमारे अपराधों के लिए सूली पर कुर्बान हुआ और हमें बचा लिया। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो उसके घावों द्वारा हम चंगे हो गए। आप जो काम कर नहीं सकते थे वो करके देखिए। आप हाथ नहीं उठा सकते थे, हाथ उठाकर देखो। आप झुक नहीं सकते थे, झुक कर देखो। आपके शरीर की एलर्जी गई है, आपके शरीर में जो घाव थे ठीक हो गए यीशु के नाम पर। आमीन 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 आमीन। जोरदार तालियां बजाएं प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार 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 तालियां बजाएं। दुनिया में अगर नाम मसीह ना होता तो कोई शख्स गुनाहों से आजाद ना होता। ना होते अगर आत्मा से पैदा यीशु तो होता है खुदा कैसा ये मालूम ना होता। इसीलिए तो हम कहते हैं मसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसी बिना हालेलुया, मसी बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाय जीवन तैयार है, जीना मसीह है ये जीवन। तालियां बजाते हुए मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, आमीन, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मुझ में है, मैं मसीह में हूँ। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का पवित्र नाम की जय। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। खुश क्यों? क्योंकि यीशु के घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। सब कुछ
इस बाइबिल में मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त में, याद रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।